बाल रामलीला कमेटी छठ घाट कुतुब बिहार में प्रभु श्री राम की लीला का शुभ आरंभ 15 तारीख को बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसके संरक्षक श्री शैलेंद्र पांडे जी ने बताया कि यह लीला हम तकरीबन 22 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और अब की बार कुछ और नया भी कर रहे हैं। जैसा बाल लीला में बाल अवस्था के बालकों को ही मंच पर उतार दिया गया, जिनका धमाल देखते ही बनता था। और श्री शैलेंद्र पांडे जी ने बताया कि अब की सीता माता के साथ उनकी 51 सहेली साथ होंगी। मंच पर और भी बहुत कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है, जिसे क्षेत्र की जनता बड़ी उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। श्री शैलेंद्र पांडे जी ने अपनी कॉलोनी के सभी वासियों से आग्रह किया कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस लीला का आनंद उठाएं। इस लीला का मंचन जो शुरू हो रहा है, कैसी व्यवस्था लग रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छे ढंग से, और सबसे बड़ा जो शैलेंद्र पांडे जी को मैं बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो बाल लीला का आज पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों का कि बहुत सुंदर दृश्य से भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, हनुमान जी, जटायु, वशिष्ठ, तीनों रानियाँ, सारी जो बाल लीला में जो प्रस्तुत किया बहुत सुंदर दृश्य और बहुत ही अच्छा, और इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है बच्चों को बड़ा सीख मिलेगा और बच्चे बड़ा इसे समझेंगे कि हमारे धर्म में क्या है, क्या स्थितियाँ हैं। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है प्रतिवर्ष से आपकी ये जो नया कुछ किया है? पिछले वर्ष से अच्छा व्यवस्था है और पिछले वर्ष से कुछ चीज़ों ने इन्होंने जोड़ा है, वो बाल जो लीला वाले कार्यक्रम जोड़ा है, बहुत अच्छा। पांडे जी आप बताएं, ये नया अनुभव कैसा लग रहा है आपको? देखिए 22 वर्ष से रामलीला चल रहा है जी, और इस रामलीला का नाम ही है बाल रामलीला का। तो हमने 2002 में जब चालू किया था तो कुतुब बिहार के ऐसे ही बच्चे छोटे लेकर हमने रामलीला का शुरुआत किया था, लेकिन आज प्रभु श्री राम की कृपा से बाल रूप का भी हमने दर्शन कराने का पुनः प्रयास किया कि 22वें साल में इन बच्चों को दिखाकर हम बाल कलाकारों को दिखा सके कि रामलीला के किस प्रकार से मंचन करते हैं। और साथ ही साथ हमें प्रेरणा की जो बात है, तो प्रेरणा तो हर साल कुछ ना कुछ मिलते रहता है। इस बार हमने रामलीला में तीन चीज नया किया है। पहला आज जो दर्शन आपने किया, दूसरा सीता स्वयंवर में 51 सीता की सहेली बनवाया है। इस बार 51 महिलाएं सीता की सहेली के रूप में मंच पर रहेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 51 सहेलियों भी शुल्क देकर, जिस तरह से ये फ्री में नहीं है, ये शुल्क देकर इन्होंने 501 रुपये का शुल्क देकर सीता की सहेली मिनिमम 501 रुपये शुल्क देकर इन्होंने बनाया है और सुरक्षा से बनाया है। ये एक नया हमने काम इस पर चालू किया है। इसी प्रकार से अष्टमी या नवमी को हमारे जो इस कुतुब बिहार छठ घाट पर जितने बुजुर्ग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं सुबह शाम, बुजुर्गों द्वारा भी रिबन कटवाएंगे और रामलीला का शुभारंभ करेंगे। और इसके अलावे हमारे हर दिन के कोई ना कोई नौजवान है जो रिबन काटकर रामलीला का शुभारंभ करेगा। एक दिन का हमने अध्यक्ष भी बनाया रामलीला का, अलग अलग हमारे पदाधिकारियों में से जो रामलीला का रिबन काटकर करेंगे। तो ये पूरा रामलीला बच्चे, नौजवान, मातृशक्ति और बुजुर्ग, ये चार श्रेणी आता है इस देश में, इन चारों श्रेणी से हमने इस बार रामलीला को समावेश करने का कार्य किया। मेरा नाम है शिवम तिवारी। और ऐसे ही बार राजा दशरथ ने कहीं नहीं, हमारी जिंदगी तो इसी में गुजर गई। जब हम युद्ध संग्राम में, अच्छा बहुत अच्छे, कैकेयी मथुरा से आप लोग बिलोंग करते हैं, साथ गई वृंदा, और उन्होंने अपने अंगूल को ही लगा दिया उसमें रथ के पहिया में। माते बाद में क्या नाम है बेटा? बताया कि आपका रथ को पहिया ध्वस्त हो जाता, हमने अंगूल लगा कर काट चला दिया। तो उस समय माता कैकेयी को बोले थे वरदान मैं उसकी पूर्ति करूंगा। तो महिलाओं कितने सालों से कर रहे हैं? 20 साल हो गए। अभी गुरु जी हो गया क्या आपका? उम्र मेरी 35। बोले कौन सी घटना घटी? अब तो सब कुछ स्पष्ट होगा, सब कुछ आपको याद होगा। धर्म की बातें बहुत बढ़िया। क्या मंत्र है? हर साल राम जी का मंत्र हमारा ये कपिला से नहीं है। आप काम करता हूँ, बहुत बढ़िया। हमारे रामलीला गुरु जी से पहली बार कर रहे हैं,
पहले 5 साल से कामदेव का रोल कर रहे हैं, और भी रोल करते हैं। अच्छा, और काम भी करते हैं।